हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो कल आपका पेपर होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 75 में से 75 अंक आ जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके 75 में से 75 अंक पूरे आ जाएँ। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ उचित विकल्पम चित्वा लिखा, 6 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। पहला दिया हुआ महेंद्र इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप लोग हमारी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा nithyashreepoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सॉल्यूशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ दिग्गज इतिहासमिन पदे संधि अस्ति, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ राम लक्ष्मणों इतिहासमिन पदे समासा अस्ति, कर्मधारय समास, बहुव्रीही समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, उपगणगम, त्रिभुवम, प्रतिदिनम, दशानन। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, यत्र तत्र यदा यदा प्रा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दृश्यति दृक्ष्यति जिसमें पदे धातु अस्ति, दक्ष, दृश्य, द, रक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूरे, 6 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है भूतकाले लकार रिक्त स्थान भवति अस्ति, दूसरा दिया हुआ लट लगार लड लगारस उदाहरणम रिक्त स्थान अस्ति, तीसरा दिया हुआ है लट लकारस उदाहरणम रिक्त स्थान अस्ति, चौथा दिया हुआ है गम धातु रूपम रिक्त स्थान भवति। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर दो दिए हुए हैं, तो जो भी सही हो उसको आप यहाँ पर फिल कर लेना है। अगला दिया पांचवा निर्वासिता पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति, छठा दिया हुआ है प्रा उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है युग्म मेलनम कुर्ता, 6 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है, तो यहाँ पर खंड आ दिया हुआ सलिलम आम्रम वनम शरीरम कुटिलम पाषाण, खंड बा में दिया हुआ है पुस्तरा अरण्यम देहम रसालम जलम वक्रम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ अधोलिखित प्रश्नाना उत्तराणी एक वाक्य संस्कृत भाषा है लिखत, ये भी आपको एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। तो पहला दिया हुआ है अनिशम महानगरस महानगर मध्य की प्रचलति, दूसरा दिया हुआ अहम कस्मै जीवनम कामे, तीसरा दिया हुआ भाविनी भामिनी कया विमुक्ता, चौथा दिया हुआ व्याघ्रा अकस्मात विमेति, पाँचवा दिया हुआ परमम आरोग्यम अकस्मात उपाज्यते, छठा दिया हुआ कष्ट मासम स्त्री भवती। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है शुद्ध वाक्यांश समक्षम आम अशुद्ध वाक्यांश समक्षम ना इति लिखत, पहला दिया हुआ पिता पुत्राय वाले विद्याध्ययनम यच्छति, दूसरा दिया हुआ है प्राणो भेड़ोपि सदाचारा रक्षणीया, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ पृथ्वी उपसमनस ईश्वरोपाय नास्ति, चौथा दिया हुआ है विवसा प्राणिनम भूकंपेन निहन्यते, पांचवा दिया हुआ कृष्णा कृष्काय आसीत, छठा दिया हुआ है विजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुखावाहा। दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि कल आपका पेपर होने वाला है। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ केन समा बंधु नास्ति, 2 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में, अथवा में दिया हुआ है कवि कुत्र सच्चरणम कर्तुम इच्छति। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ बुद्धिमती केन उपेता पितृगुरय प्रति चलिता, अथवा में दिया हुआ है माता सुरभि किमर्थम अश्रूढ़ मुचितिम इस्मा। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, दो दो नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, 6, 7, 8, 9, 10,
ये सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन दिए हुए, 11वें नंबर में दिया हुआ है रेखांकित पद्माद्रत प्रश्न निर्माण कुर्ता कोड़ा भी दो। तो इसमें आपको तीन में से दो का आपको प्रश्न निर्माण करना है। पारमे में भी आपको दिया हुआ है अधोलिखितानी वाक्यानिका का प्रतीक अध्यय, इसमें भी आपको तीन में से दो करने हैं। 13वां नंबर दिया हुआ है अशुद्ध कार का संबोधनम संशोधनम कुर्ता, तो इसमें दोस्तों आपको अशुद्ध वाक्य का संशोधन करना है। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रदत्ते शब्द रिक्ति स्थान पूर्यति, तो इसमें आपको रिक्ति स्थान की पूर्ति कर लेनी है। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु प्रश्ननाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखता, तो इसमें दोस्तों आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर कुछ गद्यांश के यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दिए हुए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। अथवा में भी दिया हुआ है तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है पद्यांश का प्रश्न निर्माण करना है आपको, ये आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। दूसरा भी इसी प्रकार से आपको कर लेना है, दो में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।